सो हाई गाइज दिस इज़ मी वैबो मुंद्रा टॉकिंग फ्रॉम पोलैंड राइट नाउ हम लोग ने अभी जस्ट बॉर्डर क्रॉस किया है मैं आपको दिखा दूंगा बॉर्डर का सीन अभी तक हम बॉर्डर uh, क्रॉस करने के लिए पोलैंड का बॉर्डर में मैंने आपको पहले भी बताया कि और बहुत न्यूज़ में भी आ रहा था कि बहुत दिक्कत हो रहा है बट रिसेंटली और भी कुछ बॉर्डर्स खुले हैं और लिटरली हमारा सारा काम पाँच दस पंद्रह मिनट में हो गया है तो जो भी uh, uh, मेरे भाई uh, यूक्रेन में है जो की वगैरह से लवी आ रहे हैं या वेस्टर्न साइड में आ रहे हैं अगर आपको पोलैंड पास पड़ता है तो आप बुद्धमेज आ सकते हो जैसे लवी से एक घंटा लगा हमें पोलैंड का ये रास्ता आने में एक किलोमीटर का वॉक है बस एक किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा और उसके बाद आप सीधा यहाँ आओगे आपका वहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए पासपोर्ट लेंगे अभी हमारा पासपोर्ट लिए हुए हैं वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और उसके बाद थर्टी फोर्टी मिनट्स में पासपोर्ट लेके अब उसके बाद देखते हैं हमारे साथ क्या होता है बसेस यहाँ पर ऑलरेडी है कि हमें उसके बाद आगे कहाँ लेके जाएंगे उस चीज़ के लिए बट पोलैंड बॉर्डर में जो पहले प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो ऑलरेडी पहले तीन तीन दिन पोलैंड बॉर्डर में थे उनको प्रॉब्लम्स काफी फेस करना पड़ा और उसके बाद वो लोग वापस लवीव चले गए थे यूक्रेन वापस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स यूक्रेन साइड से फेस हो दिक्कत हो रहा था वो सब अभी छोड़िए तो अभी मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जो भी स्टूडेंट आना चाहता है पोलैंड के साइड से वो बुदमिय बॉर्डर से आ जाए हंगरी का भी बॉर्डर ओपन है हंगरी में भी काफ़ी स्मूथली हो रहा है बट वहाँ शायद वेटिंग टाइम अभी है एक दो दिन तो लगेगा तो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ का दिखा देता हूँ जो हम लोग जहाँ खड़े हैं तो ये वहाँ पर आ, से हमारा इमिग्रेशन का काम हुआ वहाँ पर हमारा पासपोर्ट ले लिया गया था और अभी यहाँ पर बसेस वगैरह खड़े हैं और यहाँ पर सारे जो मेरे दोस्त लोग है, वो हैं वो लोग सब खड़े हैं एंड यहाँ पर अभी अब अपन को पासपोर्ट मिलेगा खाने पीने का सब अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पर दे आर वेरी काइंड कॉफ़ी चाय जिसको जो चाहिए खाने पीने का सब है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है और लिटरली एक किलोमीटर चलना है और लवी से एक घंटा दो घंटा का जर्नी है तो अगर कोई भी वेस्टर्न साइड आ रहा है कीव से खार्कीव से कोई भी आ रहा है सो बुदमेज बॉर्डर इज द वन फॉर पोलैंड राइट नाउ और नहीं तो फिर हंगरी भी है वो थोड़ा उस वो थोड़ा नीचे पड़ेगा वो आपको लवी से दूर पड़ेगा तो अगर कोई लवी आ रहा है तो आई एल जस्ट रिकमेंड दिस बॉर्डर आप लोग देखो आपका पूरा प्रोसेस दो तीन घंटे में हो जाएगा आप दो तीन घंटे में पोलैंड बॉर्डर के अंदर रहोगे सो so, या yeah, इसके आगे का आई कीप यू अपडेटेड सी सी सून या